ये हम एंटर कर रहे हैं 1 BHK में। आप देख सकते हैं काफ़ी प्रीमियम सा दिखने वाला डोर, लॉक्स वगैरह गोदरेज के यूज़ हुए हैं, देख सकते हैं आप। ये काफ़ी स्पेसियस सा हॉल, ऊपर POP, यहाँ नीचे स्विच बोर्ड दिया गया है जिससे सोफ़ा वगैरह पे बैठे बैठे एक्सेस कर सकते हैं इसको, मोबाइल चार्जिंग वगैरह के लिए। मेन स्विच बोर्ड यहाँ पे है, यहाँ पे आपका MCB बोर्ड एंड अगेन एक स्विच बोर्ड ये वॉशरूम के लिए। और हॉल के बाद ये वॉशरूम, वॉशरूम में भी सेम लॉक वगैरह देख सकते हैं आप, वुडन डोर है। एंड वॉशरूम के अंदर आते हैं तो ये वॉश बेसिन, फिटिंग्स वगैरह देख सकते हैं आप जेनकॉर की है। यहाँ भी आप देख सकते हैं सारी फिटिंग्स जेनकॉर की हो सही है, देख पा रहे हैं आप। और ऊपर देख सकते हैं गीजर के लिए पॉइंट दिया गया है, स्विच बोर्ड, वेंटिलेशन के लिए विंडो। एंड यहाँ भी अगेन आप देख सकते हैं जेक्वायर की फिटिंग, ये भी सारा सारी चीज़ें जेक्वायर की वजह से है। इसको कॉन्टेंट है वो भी जेक्वायर का है ब्रांड। एंड इससे बाहर आते हैं तो सबसे पहले हॉल से कनेक्टेड एक बड़ी सी बालकनी देख लेते हैं जिसमें मॉस्किटो नेट वगैरह मिलेगा, ये रहा मॉस्किटो नेट। एंड यहाँ भी अगेन इसको भाई चेक और फिटिंग, वॉशिंग मशीन वगैरह यहाँ आप रख सकते हैं। दोनों तरफ एग्जिट है वाटर का और यहाँ पे बाउंड्री आ जाएगी हमारी, ये जो आपको दिख रही है थोड़ी सी अभी बनना बाकी है, बाउंड्री हो जाएगा। ये पूरा पार्किंग नीचे बनेगा, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है सो इग्नोर दैम, नॉट एन इशू। यहाँ से फिर हम किचन में आते हैं, किचन में मेन स्विच बोर्ड, एक छोटा सा स्विच बोर्ड यहाँ पे, एक स्विच बोर्ड ये आपका इंडक्शन वगैरह के लिए। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मॉड्यूलर किचन। एंड ये है हमारा ऊपर बॉक्सेस, ये स्टोरेज के लिए एक्स्ट्रा बॉक्सेस। एंड इसमें दो नल देख सकते हैं सेम ये भी एस्को वाइज, एक बार एक बोरिंग से डायरेक्ट वाटर के लिए और एक नॉर्मल वाटर के लिए। किचन में भी आप देख सकते हैं वेंटिलेशन के लिए, यहाँ पे विंडो, मॉस्किटो नेट इसमें भी दिया गया है। उसके बाद बेडरूम में चलते हैं, बेडरूम में भी आप डोर वगैरह देख सकते हैं सेम गोदरेज की फिटिंग के साथ, काफ़ी अच्छा सा। ये मेन स्विच बोर्ड, यहाँ पे भी ऊपर POP वगैरह है एंड एक स्विच बोर्ड यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए, यहाँ भी विंडो मिलती है मॉस्किटो नेट के साथ में ट्रिपल स्लाइडर वाला। और इससे कनेक्टेड ये हमारा बालकनी, छोटा सा मतलब वॉश एरिया और बालकनी अलग अलग है हमारा, क्योंकि जनरली 1 BHK में आप देखेंगे यहाँ भी डोर भी देख सकते हैं आप, वुडन डोर है विथ लॉक। और यहाँ भी एग्जिट दिया गया है वाटर का, ये पीछे मैगनेट वगैरह सब लगाए गए हैं। जनरली 1 BHK में आपको सिंगल वॉल बालकनी मिलती है जो कि वॉश एरिया प्लस बालकनी दोनों वही रहता है, बट हमारा वॉश एरिया अलग और बालकनी अलग है, मतलब अगर उसको भी गिने तो दो बालकनी बोल सकते हैं 1 BHK में। अब इसके रेट की हम बात करें तो आज के डेट में दशहरा के दिन में वीडियो शूट करूँ, आज का रेट है इसका 18,75,000, 18.75 लैक्स। ये विदाउट मॉड्यूलर किचन और विदाउट POP के, अगर मैं इसमें POP और मॉड्यूलर किचन इंक्लूड कर दूँ तो ये रहेगा 19,50,000, 19.5 लैक। और अभी दशहरा के दिन इसमें कुछ ऑफर्स चल रहे हैं, आपको नवरात्रि में हमने रखा था 9 इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, आपको गैजेट्स नहीं बोल सकते, अप्लाइंसेस, आपको 9 इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस फ्री मिलेंगे अगर आज बुकिंग करते हैं नवरात्रि दशहरा तक था, बट हम कोशिश करेंगे आगे 2-4 दिन एक्सटेंड करने का। अगर आप वीडियो देख रहे हैं दशहरा के दिन और उसके 2-4 दिन बाद भी बुक करते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस फ्री मिलेंगे। एंड 19,50,000 जैसे मैंने बताया विथ मॉड्यूलर किचन एंड POP वगैरह आपने देख लिया हॉल में और बेडरूम में। और इस मल्टी के कनेक्टिविटी की बात करें तो अरविंदो से मैक्सिमम 1.5 किलोमीटर है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह की बात करें तो यहाँ पे आपको मेन कॉलोनी के मेन गेट से ही जो कि 200 मीटर की दूरी पे, 150 मीटर होगा सॉरी 200 भी नहीं 150 से 200 मीटर की दूरी पे आपको सिटी बस वगैरह मिल जाएगी। आने वाले टाइम में 2 से 2.5 किलोमीटर पे मेट्रो स्टेशन भी बन रहा है, ISBT का काम ऑलरेडी चल रहा है, एयरपोर्ट काफ़ी पास में है तो कनेक्टिविटी आपको पूरी मिलती है, TCS, इन्फोसिस भी पास में है,
थोड़ा सा आगे जाएंगे तो सिम्बायोसिस और अरविंदो का हॉस्पिटल, कॉलेज, मतलब कनेक्टिविटी आपको पूरी मिलती है इसमें। चलिए एक बार आपको बाहर का मैं व्यू दिखाता हूँ, लाइक लॉन वगैरह कैसा क्या है। काफ़ी वाइड सा लॉन है एंड आप लॉन देखिए कितना वाइड है। यहाँ पे जो आप ये ओपन एरिया देख रहे हैं, इस ओपन एरिया के नीचे यहाँ पे एक छोटा सा गार्डन आएगा, अभी डेवलप किया जाना बाकी है, आप देख सकते हैं। और काफ़ी वाइड एरिया है और लेआउट आप देखिए, हर एक फ्लैट आपको कॉर्नर फ्लैट मिलेगा। उसके बाद कंस्ट्रक्शन की अगर थोड़ी सी बात करें तो आप ये देख सकते हैं कॉट बीम जो बोलते हैं, ये इसके लिए डाला जाता है कि अगर बाई चांस कभी कुछ क्रैक वगैरह आए तो यहाँ पे आके रुक जाता है। नॉर्मली फ्लैट्स वगैरह में मल्टी में कोई यूज़ नहीं करता है, बट आप देख सकते हैं हमने ये यूज़ किया है। पूरा पार्किंग एरिया रहेगा एंड ये कॉमन कम्युनिटी हॉल।